जिला अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने होली और शबे बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए शांति सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि होली व शबे बारात को संपन्न कराने के लिए शांति सद्भावना समिति के सदस्यों व जनपद के पुलिस कर्मियों अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके साथ ही होली व शबे बारात पर निकलने वाले जुलूस पर दोनों समुदायों की समस्याओं को जाना गया है, जिसका निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की समस्या थी कि तार नीचे है और कुछ जगहों पर सड़कें सही नहीं हैं, जिसको जुलूस से पहले ठीक करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा त्योहार में जो भी व्यक्ति खलल डालने का प्रयास करेगा उसके ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा एवं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आदिल अमीन नाम है मेरा और आपके वक्त से जिला शांति सद्भावना समिति का आए हैं मीटिंग में, और डीएम साहब का, एसएसपी साहब का, सभी लोगों का। हमारी जो जिला शांति सद्भावना समिति है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो अगर हमें कोई शिकायत होगी, कोई भी बात होगी, कोई भी चीज होगी, तो हम आप ही लोगों से कहेंगे, तो उसमें पूरे अच्छे तरीके से जो भी चीजों को हम कह रहे हैं। देखिए, हम लोग जमीनी स्तर से पूरा जितने हैं और ऊपर चल करके करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे भी मौके आए कि बहुत ज्यादा बवाल होने की संभावना थी, हिंदू और मुसलमानों ने इसमें बीच में खड़े होकर के उस चीज को खत्म कराया। बख्शीपुर में हुआ था, ऐसे ही नकाश में हुआ था, तो बहुत सी चीजें थी। एक थोड़ी सी सर हमको ये तो ही ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और कहीं पर भी जिला शांति सद्भावना समिति का कहीं भी कोई भी नाम और जिक्र कुछ वक्त से नहीं है, सद्भावना समिति ही थी। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, और जो होली का जुलूस निकलने वाला है सर, उस पर हम कुछ बातें करेंगे कि जिस जुलूस से उर्दू बाजार में जहाँ पर रथ सजाया जाएगा, वहाँ पर तार बहुत ज्यादा सब नीचे है, बिजली के तार, उसको ऊपर करा। दूसरी बात, शबे बारात 18 तारीख को है, रात में 5 बजे के बाद से वो शुरू हो जाता है, फातिया करते हैं, तो कब्रिस्तान की सफाई, कब्रिस्तान के बाहर की सफाई और बाहर वो भी है, और 18 तारीख को शबे बारात है, तो इसमें थोड़ा देखने की जरूरत है सर, क्योंकि उसी वक्त पर जोन जोन से भी खाने हैं। हम सभी लोग जो लोग भी हैं यहाँ पे जिला शांति समिति के हैं, सिविल डिफेंस के हैं, बात तो जो ये लोग कह लेंगे सब, यही बात है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जैसे कुछ लोग का ये कहना है कि जो भी मुद्दा होगा होली और सौगाता ही होगा, ये सब चर्चा करें, बाकी फालतू चर्चा करने से हमारा मतलब नहीं है। जैसे पहले साल और 25 साल पहले जाइए, लोग किसी के होली में घर में हैया डालते रहे कि हम फेंकेंगे गंदा, तो उनको गाली देंगे, तो वो इस टाइप का माहौल नहीं रहेगा। हर आदमी समझदार हो गया, ऐसा कोई गलत काम नहीं करता है कि जिससे कोई मामला बिगड़े। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को होली, छोटी होली लोग कहते हैं, जो पांडाता से जरूर 4 बजे निकलता है, इसका रूल मार्ग सर आपको पास है, निकलता है इसकी टाइम से 4 बजे निकलता है पांडाता से। इस रूटे से 24 मस्जिदें हैं, 24 मस्जिदें जो थाना 3-6 थाना था, तिवारी पुरवाई इस थाने में सर बरसाता हर साल अपनी फोर्स बजाते हैं, कहीं से कोई बात नहीं होती है सर। ये तो मतलब होली की बात तो अलग अलग है, ये गोरखपुर में 3 साल सर दशहरा मुहर्रम हिंदू मुस्लिम मिलकर और बहुत खूबसूरत से लोगों ने अंजाम दिया। ये शांति सद्भावना के रात दिन हम लोग लगे थे, और उसको कहीं कोई बात नहीं, आज तक नहीं आ जा सके। कहा था कि कुछ रोड पे दिक्कतें हैं, जैसे एक चंगड़ा चौड़ा है, क्रास नाली है, उस पर लोहिंग प्लेट लगे सर, वो प्लेट बिल्कुल बीच में गड्ढे की हो गई है, अगर कोई बड़ी वाहन जाता है लोग वो बच जाएगा, तो उनको संदेश रहे अगर वो ढाल देंगे सर। अभी तिवारीपुर में जमीन समय निकाल के सभी लोगों का समय, सभी व्यस्त लोग हैं, और
इस शहर के जिम्मेदार लोग होने के नाते आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई और अपने महत्व को समझते हुए यहाँ पर लगा रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो महत्व आदमी का अपने मन में होता है, आप कितने महत्व हैं ये दूसरा व्यक्ति आपको महसूस नहीं करवा सकता, ये अपने मन में होता है। मैं जिम्मेदार हूँ तो ये तो मैं मन में मानूंगा, आप चाहे कितना भी बोले, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता तो आप मुझे कैसे जिम्मेदार बनाएंगे? चाहे आप दिन रात कहते रहे मैं गैर जिम्मेदार हूँ, तो मैं गैर जिम्मेदार ही रहूँगा। तो आप लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ आज आकर आपने साबित कर दिया, और जिम्मेदार है शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए। आप प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि आप लोग समय निकाल के आए, और बड़ा अच्छा लगा हमें आप आए, आपने कई चीज़ें बताई। आप शहर के पुराने लोग हैं, सालों से ये जुलूस ये त्यौहार देखते आए हैं, और जो आपने बातें बताई हैं वो सभी हमने नोट की है। कहीं अगर कोई पुलिस से संबंधित समस्या आती है, चंदा वसूली की समस्या है, कहीं ट्रैफिक की समस्या है, कहीं कोई हुड़दंगई करते हैं, शराब पीते हैं लड़के, अवांछनीय तत्व जो है वो भीड़ में घुस के उसका लाभ उठाते हैं, जो लोग रंग नहीं खेलना चाहते या महिलाओं के साथ जबरदस्ती रंग लगाना चाहते हैं, तो इसमें हमारा पुलिस बल वहाँ पर तैनात रहेगा। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, पुलिस की गाड़ियाँ भी भ्रमण पर रहेगी, महिला पुलिस भी तैनात रहेगी, सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात रहेगी, वो हर प्रकार की व्यवस्था होगी, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। और जैसा आप लोगों के सहयोग से अभी तक हमारे सारे त्यौहार, सारा चुनाव अच्छा निकला, इसी प्रकार से हमारा जो आगे आने वाला होली का त्यौहार है, जुलूस है, और जो शबे बारात का हमारा त्यौहार है वो भी अच्छा निकलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और मैं स्वयं भी इसलिए क्योंकि अब 6 महीने रहने के बाद, कई त्यौहार करवाने के बाद, और सबसे बड़ा त्यौहार, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव जो हमारा है वो पूरा करवाने के बाद, जिसमें हर व्यक्ति शामिल होता है, वो किसी धर्म मजहब जाति का त्यौहार नहीं है, वो सभी का है, उसमें हर व्यक्ति शामिल हुआ था, वो हमारे यहाँ बिना एक भी विवाद हुए निकल गया। तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, ना प्रशासन जिम्मेदार है, जिम्मेदार है आप लोग। बिल्कुल, अगर आप 55 लाख की आबादी है शहर की, 50 लाख की, अगर लोग चाहें झगड़ा करना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उन्हें, पर आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, आप अब मैच्योर लोग हैं, आपका शहर अब बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है, और हो सकता है आने वाले 5 साल में जो आपको दिखाई दे रहा है इससे 3 गुना ज्यादा प्रगति हुआ आपकी। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली पब्लिक मीटिंग है, और मैं पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से सभी मतदाताओं को, सभी लोगों को इस महापर्व को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जो योगदान दिया है, बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है, उसके लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा, अभिनंदन देना चाहूँगा। हमारा काम तो प्रबंधन का ही, हम लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग से, बिना आप लोगों की प्रतिभागिता से ये पर्व संपन्न ही नहीं हो पाता। हर मापदंड में कोशिश रही है हम लोगों को और बेहतर व्यवस्था कराने के लिए, लेकिन सभी के साथ मिलकर जो हुआ उसी में आनंद होता है, उसी में सफलता होती है, और उसी लिए हमारे लिए अच्छी पूंजी, अच्छी यादें हमें हुई हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मैं आपको तहे दिल से सभी को आभार प्रकट करना चाहूँगा, और जो आगामी त्यौहार होली और छबे बारात आने वाला है उसके लिए जो आज ये बैठक हुई है, जो अभी तक आप लोगों ने जितने भी सुझाव या समस्याएं बताई हैं उसको हम लोग सूचीबद्ध करेंगे, और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि उसको तत्काल प्रभाव से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। अवस्थापनाओं के संबंध में विशेष रूप से बिजली विभाग को कोशिश करनी है कि जितने भी तार हैं आज ही आप जाएंगे और शाम तक सभी एक्सिक्यूटिव इंजीनियर्स के हस्ताक्षर से मुझे अनुपालन आपके आनी चाहिए विद फोटोग्राफ कि वहाँ पे जितने भी जुलूस, 8 हमारे मुख्य जुलूस हैं, और शेष जहाँ भी सभी लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं या कहीं मांग प्राप्त हुआ है वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए मुझे अनुपालन आज्ञा फोटो युक्त सही होंगे, उसके पश्चात बिजली की समस्या के बारे में क्या निस्तारण हुआ है ये हमारे मजिस्ट्रेट एक बार भ्रमण करके मुझे कल तक ये आज्ञा देंगे। साफ सफाई के संबंध में
नगर स्वास्थ्य अधिकारी कृपया जो हॉटस्पॉट आपने चिन्हित किए हैं वहां व्यवस्था कराइए, कहीं पे भी जहां होली का दहन हो रहा है या वहां नमाज पढ़ी जाती है या होली का जुलूस निकलता है, कहीं कूड़ा कटकट या किसी तरह की गंदगी, जल भराव, जल निकासी की समस्या नहीं होनी चाहिए। वहाँ निर्माण विभाग और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जलकर विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। पेयजल के लिए भी वहाँ आवश्यक व्यवस्था होगी। जहीं कहीं सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है या पाइपलाइन टूटा हुआ है, वो भी समस्या को आप लोग देख के मुझे अखबार न किया एडीएम सिटी के माध्यम से कल शाम तक आप उपलब्ध कराएंगे विद फोटोग्राफ्स, हॉटस्पॉट क्लियर होने जो हम लोग आपसे फोटोग्राफ लेते हैं वो कराइए। कंट्रोल रूम आपका सक्रिय रहे, नंबर दे दीजिए अगर किसी को कोई फोन करना है, समस्या करना है, मेरे कंट्रोल रूम लगातार कार्य करता रहेगा। कोई भी शिकायत आप बताएंगे तो त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंचकर वहां हल कराएगी। जहां तक जुलूस के प्रबंधन की व्यवस्था है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सभी आयोजकों से अनुरोध है कि अगर कोई बात है तो उसको सूचीबद्ध करके हमें बताएं, लगातार हमारा समन्वय जरूर रहेगा। और जुलूस के दौरान किसी भी तरह की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की अगर कोशिश करेगा कोई या अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा, कोई माहौल खराब करने की करेगा, हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि जो भी खुराफात करने की कोशिश करेगा, जो हमारे गंगा जमुना तहजीब जो मैंने यहाँ महसूस किया है इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ देखा, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो रासुका तक लग जाएगी। आज आगामी होली और शब बारात के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की मीटिंग की गई है जिसमें डीएम साहब और मैं स्वयं मौजूद थे। इसमें कई लोगों से अलग अलग प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगामी होली और शब बारात की तैयारी पुलिस ने पूर्ण रूप से की है। इसमें हमारी LIU की टीम, एंटी सेबोटेज टीम, डॉग स्क्वाड, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी महिला पुलिस, हमारे पुलिसकर्मी सभी लोग मौजूद रहेंगे। PAC पुलिस बल भी हमें उपलब्ध करवाया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा और लगातार अलर्ट रहेंगे। और ये कार्यवाही 15 तारीख से ही हमारी शुरू होगी और पुलिस भ्रमण पर चारों ओर नजर आएगी। जहाँ जहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जाकर उन विवादों को पुनः चेक करें और उसमें उन विवादों का निस्तारण करवाएं। यदि किसी ने होली के दिन या शब बारात के त्यौहार के समय कोई प्रकार का शांति व्यवस्था भंग करने की कार्यवाही की या कोई अपराध किया तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी और इनको तुरंत पकड़कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही ऐसे लोग जिनके बारे में पूर्व से ही शिकायतें मिल रही है उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है और पूरी पुलिस ने सतर्कता बरती है और सभी लोगों पर इसमें पुलिस की सतर्क निगरानी है। सोशल मीडिया पर भी जो लोग भ्रामक वीडियो या कोई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उस पर पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज करवा रही है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अन्य लोगों के खिलाफ वारंट लेकर और कुर्की करवा के उनके मकान नीलाम करवाए जाएंगे यदि कोई इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधि कारित करते हैं तो। सर, होली और शब बारात को लेकर आज बैठक की गई, क्या था? आज सभी शहर के संभ्रांत लोगों के साथ, पीस कमेटी के मेंबर्स के साथ, पुलिस प्रशासन के सभी विभागों के साथ मेरे द्वारा और SSP महोदय द्वारा बैठक की गई है जिसमें उनके सुझाव और आयोजनों के संबंध में होली दहन जुलूस और शब बारात के सभी आयोजनों के संबंध में सभी समस्याएं और मांग को सूचीबद्ध कर लिया, उसका त्वरित निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए निवेदन भी किया गया है। अच्छे माहौल में आज ये बैठक हुई, अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं, सभी को अंगीकृत करते हुए सकुशल संपन्न कराने के लिए हमारी रणनीति और कार्ययोजना बनी हुई है। नहीं, जितने भी लोग इसमें कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये हमने संदेश दे दिया है। और साथ ही साथ जो बिजली के तार और अन्य चीज़ों के बारे में समस्याएं आई हैं उसको त्वरित निस्तारण करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है और उसका अनुश्रवण भी किया जाएगा।